हेलो एवरीवन, आपका एम के एजुकेशन स्वागत है। और आज मैं सबसे बड़ी बिग न्यूज लेकर आया हूँ, वो है आपकी सबसे बड़ी सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो किस डेट को जारी होगा। तो जैसा कि आप डेस्क पोर्ट पर आप सीरीज देख रहे हो कि पत्र.com से ये न्यूज़ सबसे पहले आई हुई है और इसमें दिया हुआ है कि RRB ALP टेक्नीशियन भर्ती 2000 रिजल्ट 1 अक्टूबर को हो जारी। और ये आपकी डेट पब्लिश हुई है 28 सितंबर को और 4:09 PM पे आप देख भी सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसा कि रिजल्ट का आज लोगों को दिखाई गया है, आप स्टाफ से रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर होगा तो स्टाफ से को पब्लिश होगा, जिसमें आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसका लॉगिन करनी है, तो आपका रिजल्ट वापस घोषित हो जाएगा और डिस्प्ले करने लग जाएगा कि आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं या कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है और कट ऑफ भी आपकी फसल कटाई भी देगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ को मैं यहाँ पढ़े देता हूँ क्या क्या आई है इसके अंदर। RRB ALP टेक्नीशियन भर्ती 2018 रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। RRB ALP टेक्नीशियन एग्जाम 2018 रिजल्ट ऑन 1 अक्टूबर को जारी करने का लेकर ऑनलाइन मीडिया तथा सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है कि कहा जा रहा है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2018 रिजल्ट जल्द से जल्द यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को जारी किया जा सकता है। यह भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 64,371 पदों के लिए जा रही है। यह रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी करने के पीछे कई सारी वजह दी जा रही हैं। यह रिजल्ट रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से करने के पीछे की जा रही है। रेल भर्ती बोर्ड की ओर से रिजल्ट देने की ऑफिशियल रीजनल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है किया जा रहा है। और इसमें आपको ये भी दिया हुआ है RRB ALP CBT एग्जाम आंसर की हो चुकी है जारी। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि RRB ALP CBT एग्जाम रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी होने के पीछे एक वजह ये भी जा रही है कि इस भर्ती के लिए आंसर की 13 सितंबर 2018 को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा इस भर्ती की आंसर की के ऑब्जेक्शन देने की आखिरी तिथि 25 सितंबर 2018 की गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है और निदान किया जा रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि 30 सितंबर 2018 तक यह पूरा काम करके रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हो, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आपका CBT फर्स्ट का रिजल्ट आपका सीधे ही आपके 1 अक्टूबर को जारी होगा और फिर आप सीधे ही CBT 2 के लिए एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे अगर आपका मार्क्स आपके पक्ष में आता है। तो मैं ये भी यही संभावना बताता हूँ कि जिस बंदे ने आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो तो निश्चित माने ही माने कि उसका आगे हो जाएगा, और साथ साथ में जिसका बैकवर्ड में जिसे कम कट ऑफ गई है तो वो भी अपना स्वीकार माने, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है किस बोर्ड से आप चूज करते हो और किस बोर्ड से आपने फॉर्म फिलअप किया। तो हो सकता है वाकई कट ऑफ आपकी सबसे कम जाए तो वहाँ रिजल्ट भी आपकी कट ऑफ कम जाए, तो जिससे कि तुम्हें भी वहाँ पर सिलेक्शन का मौका मिल जाए। तो RRB सिलेक्शन भी तुम्हें दखल से करना है, और मैं इस वीडियो में बता भी चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में कि आप RRB ALP की जो क्या कहते हैं सिलेक्शन बोर्ड है, ट्रेड है, या फिर आपका बैंक डिटेल से गलत हो गया है किसी वजह से, तो आप वापस उसे एडिट कर सकते हो। तो उसकी डेट आपकी 1 अक्टूबर को लिंक जारी होगी और 6 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। तो बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी और ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है। तो बस आज के लिए बस इतने वीडियो में, और अगर आपने एक रिक्वेस्ट मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दें, ठीक है। और जिसने कर लिया है तो उनके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।